अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करने जा रहा हूँ इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पॉस बॉलर जेम्स एंडरसन के कैरियर के हवाले से। दोस्तों, जेम्स एंडरसन ने 21 साल शानदार कैरियर के बाद गुज़िश्ता मार्च टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड के लिए 188 टेस्ट के लिए 704 विकेटों के काबिल जिक्र तादाद के साथ इसने पारबेट की तारीफ दी। इस गेंदबाजी के जरिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। ताहम 42 साल बूढ़े अब द 100 लीग टूर्नामेंट में खेलने पर गौर कर रहे हैं। 6 साल बाद ऑफिशियल वाइट बॉल गेम खेलने के बाद एंडरसन ने स्विंग बॉलर्स के लिए साजगार हालात की वजह से द 100 लीग में अपनी दिलचस्पी जाहिर की। चोटी पारमेट्स के साथ थोड़ी सी साजिश है क्योंकि मैंने पहली कोई फ्रेंचाइज चीजी नहीं खेली है, एंडरसन ने अपने फाइनल वर्ल्ड क्रिकेट पॉडकास्ट पर कहा कि इस साल द 100 लीग को देखना और गेंद को चारों तरफ स्विंग होती देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं वहाँ कोई काम कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा इनकार में हूँ क्योंकि मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, मैं दोबारा इंग्लैंड के लिए नहीं खेलूँगा, लेकिन मैंने अभी तक अपनी हकीकी क्रिकेट कैरियर के बारे में कोई फैसला नहीं किया। दोस्तों, खास तौर पर इसका आखिरी वाइट बॉल मैच 2019 में लंदन वनडे कप का सेमीफाइनल था, जो इसके लड़कपन के क्लब लंकाशायर और हमजा शायर के दरमियान था। दोस्तों, ये थी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इस तरह ताज़ा तरीन खबरें सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाला वीडियो के अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहे। शुक्रिया।